आषाढ़ पूर्णिमा में तुलसी का महत्व बढ़ जाता है, तो तुलसी से जुड़े क्या उपाय करना चाहिए जातक को जो उससे सुफल की प्राप्ति हो, कर्ज मुक्त हो जाए वो? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शयन करते हैं, हरि शयन एकादशी उसे कहते हैं। और हरि शयन एकादशी के ठीक चार दिन बाद आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा होती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा का महत्व है, क्योंकि गुरु व्यास जी जो हैं वह विष्णु के अवतार हैं। व्यास पूजन का उस दिन महत्व है, गुरु जी का अपने अपने गुरु का पूजन उस दिन करना चाहिए। लेकिन यदि आप विशेष कुछ पाना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में आपके पास ज़्यादा कर्ज हो गया है, आपका भाग्य में कुछ खोटा चल रहा है, तो उसके लिए आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ, शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी का पूजन करें और तुलसी में पीला सूता 108 बार आप लपेट दें और लाल चुनरी के साथ श्रृंगार का सामान तुलसी में अर्पण करें। तुलसी का गंदा हो या तुलसी का गंदा हो, उसमें भगवान शालिग्राम को रखकर 108 बार पीला सूता लपेट कर लाल चुनरी के साथ श्रृंगार का सामान अर्पण करें और पीले घी का दीपक जलाएं। यदि शाम के समय में आप पीले घी का दीपक जलाते हैं तो आपको निश्चित कष्टों से मुक्ति मिलेगी।